स्वाति स्वाति। हाँ भैया। मेरी बहन स्वाति, बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना है? हाँ भैया, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर। ठीक है, ले आओ। लो भैया, आ जा बैठ। भैया ये क्या भूख आपको लग रही है, खिला मुझे रहे हो? मेरी बहन, खा तो रही है लेकिन पेट मेरा भर रहा है। भैया तुम खाओ, मुझे बहुत खिला दिया। अरे मेरी गुड़िया तो कह देती है तो मैं खा लेता हूँ। अरे भैया मैंने खा लिया, अब फिर खिला रहे हो मुझे? अरे खा ले पगली, जब तो ससुराल चली जाएगी पता नहीं तुझे कौन खिलाएगा, तब तुझे अपने इस भाई की बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। भैया मैंने बहुत खा लिया, अब आप खाओ। स्वाति मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, पर तू कभी जीवन में ऐसा काम मत करना कि तेरे इस भाई का सर इन दुनिया वालों के सामने झुक जाए। नहीं भैया, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर इन दुनिया वालों के आगे झुके। मैं तो सिर्फ शादी करूंगी। भैया भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। आज मैं स्वाति से मिलकर जरूर आऊंगा। अरे पिताजी, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। बोल बेटा। वो खाना रखा है, आप खाना खा लेना। और तू? मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। कहां जा रहा है? मैं यूं गया और यूं आया। मैं इसका बाप जरूर हूं मगर मैं आज तक इसे समझ नहीं पाया। स्वाति को फोन करके बुलाता हूं। हेलो स्वाति, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ पार्क में। ठीक है आ जाओ। राहुल तुमने मुझे बुलाया? अब तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। मेरी रातों की नींद, दिन का चैन,
सब गायब हो गया। यही हाल मेरा भी है राहुल, मैं भी आपके बिगड़ रह नहीं पाती। स्वाति, और यहाँ स्वाति, भैया। हाँ मैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं स्वाति से शादी करके ही रहूंगा। क्या बड़बड़ा रहा है बेटा? वो पिताजी, मैं कुछ सोच रहा था। वो क्या सोच रहा था? वो काम के बारे में सोच रहा था। ठीक है बेटा। अब मैं क्या बताऊं पिताजी, कितने सीधे आदमी। यहां मत, मैंने तुझसे कहा था ना मेरी इज्जत के साथ मत खेलना। स्वाति, अगर हमें अपना घर बसाना है तो तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा, वरना तुम्हारा भाई हमारा घर बसने नहीं देगा। सोच लो, एक तरफ तुम्हारा भाई है और एक तरफ तुम्हारा प्यार। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने सोच लिया है, मुझे मेरा प्यार चाहिए। प्यार? अगर तुम्हारा यही फैसला है। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा ये कौन है? पिताजी ये तुम्हारी बहू है। बेटे तो ये सहरा में देखने की बड़ी तमन्ना थी। चल तूने शादी तो की, मैं इसी में खुश हूं।
देखा स्वाति, तुम्हारे भाई में और मेरे पिताजी में क्या अंतर है? तुम्हें तुरंत स्वीकार कर लिया, इसे कहते हैं प्यार। स्वाति, स्वाति कहाँ चली गई? स्वाति, भैया मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, मुझे माफ कर देना। ये तूने क्या किया स्वाति, ये तूने क्या किया? भाई अगर मुझे दिल से स्वीकार करो तो मिलने आ जाना। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा है, तुम मुझसे बात मत कर। पर क्यों? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तुम मुझसे बात मत कर। पर मुझे बताओ तो क्या बात हुई है? तू सवाल बहुत करती है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरी छोटी बहन, कोई बात नहीं। चलो हम अपने घर चलते हैं।